फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हेरिस डिश। तो आज हम बनाएंगे काजू कतली। भाई बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, और जितनी ये बढ़िया लगती है उतनी ही आसान होती है बनाने में। तो हम झटपट इसके सामग्री देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.25 कप काजू, जिसे मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप चीनी चाशनी बनाने के लिए, 3 टेबल स्पून पानी, पिसी हुई इलायची और कटा हुआ पिस्ता, जो कि हम बाद में इसे गार्निश करने में यूज करेंगे। और आज का मेरा टिप है, जब भी आप काजू को पीसे, कभी भी कच्चा उसे ना पीसे, नहीं तो पीसने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सबसे पहले क्या करें, उन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद काजू को पीसे, वो झटपट पिस जाएंगे और एकदम बारीक पिस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काजू कतली बनाना। तो सबसे पहले हम पैन में चाशनी बनाने के लिए डालेंगे चीनी और उसमें डालेंगे पानी, और हमें यहाँ पर चाहिए 1 तार की चाशनी। तो सबसे पहले हम हमारी चाशनी को तैयार कर लेंगे। तो इसे हम चलाते रहेंगे और एक बॉईल आने तक पहले इसका इंतजार करेंगे। हमारी चाशनी में उबाल आ गया है, लेकिन उबाल आने के बाद भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि इसमें 1 तार की चाशनी अच्छे से बन जाए। हमारी 1 तार की चाशनी एकदम बन के बढ़िया से तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं हमारे काजू जो हमने पीस के रखे हैं। बिल्कुल स्लो आंच पर इसे हमें पकाना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है इस तरह से, बिल्कुल स्लो आंच पर हमें इसे पकाना है। चलाते हुए 5 मिनट हो गई है इसे, और आप देख सकते हैं कि पेस्ट ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि हमारा पेस्ट एकदम तैयार है। अगर यही चीज़ आप एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो सारा पेस्ट उसमें चिपक गया होता, तो इसलिए जब भी आप बनाएं इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। देखिए ये हमारा पेस्ट एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसे निकालने से पहले इसमें हम डाल लेते हैं इलायची पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया से पैन छोड़ दिया है। तो चलिए इलायची पाउडर मिल गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। प्लेट को हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा पेस्ट प्लेट में चिपके नहीं। तो घी लग चुका है, ये हमारा पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो हम इसमें निकाल लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है बटर पेपर। हम इस पे बेलेंगे हमारी काजू कतली को, क्योंकि जब हम इसे बेलेंगे तो ये आसानी से इससे निकल जाएंगी जब हम इनके पीसेस काटेंगे। तो बटर पेपर पे मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है थोड़ा सा, ताकि हमारी काजू कतली बहुत आसानी से निकल जाए। हमारा पेस्ट एकदम ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको बटर पेपर पर निकाल देती हूँ। तो इस तरह से हम उसकी एक लोई सी बना लेंगे और इसे हमारे बटर पेपर पर लगा देंगे, और हाथ से थोड़ा सा हम इसे दबा लेंगे, और हम बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। और अब हम इसे हल्के हाथ से बेलते जाएंगे। इस तरह से हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए वापस जमने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब हम काजू कतली काटें तो वो बिखरे नहीं। तो 5 से 7 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें काट लेते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें स्क्वायर शेप में काट सकते हैं और डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। मैं यहाँ पे डायमंड शेप ही काटूंगी, क्योंकि काजू कतली का शेप मुझे वही अच्छा लगता है। तो चलिए पहले हम इसे इस तरह से, और मैंने यहाँ पे थोड़ी मोटी रखी है, मुझे काजू कतली थोड़ी मोटी ही पसंद है,
आप अपने हिसाब से पतला मोटा कर सकते हैं। सारी डायमंड शेप ही हम लेंगे। वैसे आप चिंता ना करें, हमारी काजू कतली अरेंज हो गई है। अभी हम इनके ऊपर क्या करेंगे, पहले हम ये वाला हटा देते हैं ना, बन के तैयार हैं। तो अभी हम इनके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा पिस्ता डालकर इन्हें गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर चांदी का वर्क हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और वो नॉन वेज भी होता है। तो और स्पेशली अगर आप त्योहार के लिए बना रहे हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ चांदी का वर्क लगाने के लिए, क्योंकि फिर आप वो भगवान को नहीं रख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको चांदी के वर्क के साथ इन्हें डेकोरेट करना है तो आप चांदी के वर्क के साथ इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। काजू कतली बनकर एकदम तैयार है, आप इसे एंजॉय कीजिए और अपना त्योहार मनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको खिलाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे लिखकर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।